को लेके डॉक्टर के पास, और सीडू को एकदम जल्दी है डॉक्टर के पास, कैसे भाग रही है। यहाँ पे सीडू का वॉश हो रहा है। ड्यूटी के लिए कपड़े लिए जाते हैं क्योंकि उसका जल्दी ही बर्थडे आ रहा है। तो चलिए घर पे जाके आपको मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं और हस्बैंड बाहर ही बैठे हैं। अभी स्वीटूडी को आदत हो गई है तो अकेली ही अंदर गई, मतलब अंदर लेके गए उसको। तो अभी हम लोग बाहर ही बैठे हैं। डॉक्टर की क्लिनिक से निकल चुके हैं, जा रहे हैं घर पे। आज तो बहुत लेट हो गया डॉक्टर के पास। हम लोग निकले थे 11 बजे के, हम लोग डॉक्टर के पास निकले थे और अभी हो गए हैं। पैर के बज गए 3 और हम घर पे आ गए और सीटू भी आ गई है, ये देखिए। और हमारा अभी लंच चालू है। के लंच में हमने सिर्फ चटनी, सैंडविच और छाछ। ये स्वीटू के कपड़े, ये देखिए। आज हमने जो वो क्लिनिक में गए थे स्वीटू के लेके, वहाँ से हमने लिए हैं। इसमें कैप पन है, ये हुडी है, मतलब हुडी है। हाँ, और मुझे तो बहुत बड़ी लग रही है वो। ये मत मापो ना, ये अच्छा। कैप का हिस्सा है ये। ये इतना हिस्सा परफेक्ट है ये स्वीटू के लिए। अच्छा। जो ये बटन है ना, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, और ऑटोमेटिकली आप देखो लंबाई, देखो उधर, देखो स्वीटू की लंबाई, देखो हॉट डॉग के मापी कितनी लंबी है। तो देखते हैं कभी पहनाने का है, जब भी पहनाएंगे तभी आप लोग देखना। कभी पहनाओगे? एक दो दिन में पहना है ये, क्योंकि एक दो दिन में स्वीटू का बर्थडे आने वाला है। साल पूरे होने वाले हैं, मतलब ये 10वां हैप्पी बर्थडे है। हाँ। तो फिर थोड़ा सा मंगाना पड़ेगा। आज 10वां हैप्पी बर्थडे का दोस्तों, तो वहाँ पे भी केक मिलती है, मतलब डॉग के लिए जो केक रहते है ना, वो वहाँ पे भी मिलती है। तो डॉग खाएंगे, डॉग के माँ बाप क्या तंबूरा खाएंगे? तो स्वीटू के बदले में आपको भी केक खानी है, तो फिर तभी देखा जाएगा। स्वीटू का बर्थडे तो आने दो। चलो, और हम अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास वापस हस्बैंड को लेके। कल रात को भी गए थे तो एक तो ट्रीटमेंट कल रात को हो गई। अभी हम आपका दांत का रूट कनाल करवाते हैं, मतलब दांत नहीं निकाल। तो कल रात को तो एक सेक्शन हो गया, अभी आज वापस 7:30 बजे अभी जाना है, तो दूसरा सेक्शन आज है। मतलब वैसे 3-4 दिन तो चलेगा ना ऐसा। वो कल तो मालूम नहीं, इतनी बड़ी बड़ी सुई ऐसा गुजार ली। हाँ बाबा, मैं तो अंदर गई नहीं देखने की। वो सब देख के वो इतना बड़ा इंजेक्शन डालते पापा, तो मैं तो अंदर गई नहीं। तो आज भी जाने वाले है, तो अभी आज देखते है क्या है। मतलब 3-4 दिन ऐसे चलेगा। वीडियो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि वो डॉक्टर का क्लिनिक है। ऐसे कुछ नहीं, वीडियो का सवाल नहीं, पर मुझे ही डर लगता था आपको करते थे तो इसलिए मैं अंदर नहीं आई, मुझे ही डर लग रहा था। और आज भी है, मतलब 3-4 दिन चलेगा ये सब प्रोसेस। स्वीटू को लेके गए थे सुबह डॉक्टर के पास और अभी लेके जा रहे है हस्बैंड को। मतलब आज तो पूरा दिन डॉक्टर ही चल रहा है, आ रहा है। और फिर मैंने खाना भी बना दिया अभी, दाल राइस। तो अभी चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास, मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर में मिलते हैं फ्रेंड्स। शायद मैं बोल नहीं सकूं क्योंकि कल तो आप यकीन नहीं करोगे, जिंदगी में मैंने कभी हाथ में सुई नहीं ली। एक इधर मारा और ये जो ऊपर घुसा ही ना, वो तो मैं समझा कि मैं मर गया, ऊपर पहुंच गया, मैं ऐसा ही समझ रहा था। मैं बेड पे सोए सोए तंगड़ी ऊपर कर दी मैंने, लग गया। मतलब वो ऐसा जो गुस्सा है ना, कलास हो गया, मैं उधर ही तड़पने लग गया। थोड़ा वीडियो निकालूंगी अगर पॉसिबल रहता है तो। ये इधर जो मारा ना, ये तो ठीक है, ऐसा डॉक्टर साहब ने कुछ स्प्रे मार के मतलब इधर मारा, पर ये ऊपर जो गुस्सा है ना इधर, कितनी छोटी छोटी नीडल्स ना, छोटी बड़ी। मैं ऐसा होल बोल क्या किया, मैं ऐसा देख रहा था जीभ जबान लगा के होल कर दिया,
फिर उसमें इतनी इतनी बड़ी बड़ी इतनी इतनी नीडल्स ऐसा घुसा के मतलब नर्व्स चेक करा लिए। अभी दर्द तो कम कुछ नहीं है। दर्द नहीं है वो है नहीं तो दो दिन पहले तो रात को सो ही नहीं सके। निकालने वाला ही था दांत पर मुझे दो तीन जन ने मतलब गाइड किया कि दांत निकालोगे फिर उधर लगेगा कुछ भी खाओगे फंसेगा फिर वो वापस गम्स दुखेंगे और स्वेलिंग होगा। डॉक्टर ने स्टार्ट कर लिया है ट्रीटमेंट। मैं अभी बाहर बैठी हूँ और अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी बज गए रात के 9:30। 7:30 बजे के गए थे घर पे आते 9:30 बज गए और मैं भी अभी थक गई। 2 घंटा मतलब 2 घंटा बोल रहे हैं। अभी बोलना भी बंद है 1 घंटे तक खाना भी बंद है। आज तो बहुत ही पेनफुल रहा ना आज तो बहुत ही बहुत मतलब बहुत। अभी तो 4 सेक्शन बाकी है अभी तक। इससे अच्छा बोलते कि निकाल दिया होता तो अच्छा होता। ये जो करवा के फंस गए। मैं तो अंदर बाहर से ही थोड़ा वीडियो निकाला है आप लोग देखिएगा। अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग मैं और दिव्या खाने के लिए बैठे हैं। दिव्या भी आ गया है ट्यूशन से तो मैं और दिव्या खाना खाने के लिए बैठ गए। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में। सच्ची में एक दांत अच्छा है कि एक ही दांत है। 2-3 दांत रहता है तो खत्म। कितना पेनफुल रहता है सब। तो ये तो आराम करेंगे। मैं जाऊंगी कल ऑर्डर पे। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में। चलिए बाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। चलिए बाय।